जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, और इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और शायद मैंने 17 तक पढ़ा दिए थे आपको, है ना। इसके बाद आज अपने अनुच्छेद की जो बात करेंगे वो करेंगे 18। गुरुजी अनुच्छेद 17 में पहले तो बताओ क्या है। 17 में ये है छुआछूत, है ना, हम किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते, यानी अस्पृश्यता का अंत। अब पढ़ना है 18। तो मेरे भाई आज अपने जो बात करेंगे अब वो बात करेंगे अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद नंबर कौन सा है आज? 18। गुरुजी इस अनुच्छेद 18 में क्या है? देखो मैं आपको बता रहा हूं, तुम घबराइएगा नहीं, क्लास जैसे नहीं आए तो गुरुजी क्लास कैसे लेट हो रही है, तो एक दो दिन के अंदर बाकी मिल जाएगा आपको कंटेंट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा करवा दूंगा। और आपको कोई भी टॉपिक कर रहा है जिसमें दिक्कत आ रही है प्लेलिस्ट में जाना, जो आपको टॉपिक करना है वो मैंने अलग से बनाए हुए हैं सारे, तो वहां जाकर आप अच्छी तरह से कर सकते हो। अच्छा चैनल पे नहीं हो तो आपका कर्तव्य तो बनता ही है कि सब्सक्राइब कर लें, है ना। तो देखो अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब हम किसी से उपाधि नहीं ले सकते थे, उपाधियों का क्या किया गया? अंत। अच्छी तरह समझने के लिए आप ये समझो 18(1) में क्या लिखा हुआ है और 18(2) में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 18(3) में क्या लिखा हुआ है। पहले 3 तक पढ़ लो। देखो मेरे भाई अनुच्छेद 18(1) में तो यह लिखा गई है बात कि शिक्षा, क्या भाई, शिक्षा व या शैक्षणिक कोई भी कह सकते हो आप, कुछ भी बात कह सकते हो, सैनिक मामले में उपाधि धारण कर सकते हैं, उपाधि धारण कर सकते हैं। गुरुजी कैसे समझे नहीं, यहां तो कह रहे हो आप उपाधियों का अंत है, तो मेरे भाई ये इसका अपवाद मानो आप। देखो शिक्षा में आपने पीएचडी कर ली तो आपके नाम क्या क्या लगेगा, प्रोफेसर या डॉक्टर लग जाएगा ना, बिल्कुल लग जाएगा। तो बताओ शिक्षा में इस बात की कोई बात हो रही है क्या उपाधियों की? नहीं हो रही। गुरुजी सैनिक के मामले में आओ तुम, जैसे सैनिक के अंदर देखो, सैनिक में देखते नहीं है कोई पद काम अच्छा कर देता तो उसे एक पद मिलता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सॉरी लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, ऐसे वो फिल्म देखे ना शेर शाह, उसमें बोलते हैं लेफ्टिनेंट, तो नाम के आगे लगा सकता है नहीं सकता उपाधि, अन्यथा नहीं लगा सकता, केवल शिक्षा और सैनिक जो है उसके अंदर लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते। जैसे 18(2) में क्या लिखा हुआ है, 18(2) में लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक, कौन सा नागरिक, भारतीय, भारतीय नागरिक जो है वह विदेशी राज्य से, किससे, विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता, कोई उपाधि, कोई विदेशी वाले हैं, कोई विदेशी राज्य है, कोई विदेशी देश है, वो किसी भारतीय नागरिक को उपाधि देना चाहता तो वो नहीं ले सकता, अगर गुरुजी उसको लेनी होगी तो वो अनुमति लेगा, और वो अनुमति किसकी होनी चाहिए, राष्ट्रपति की, ठीक है, ये बात याद रखना। ओके गुरुजी याद हो जाएगी। 18(3) में क्या लिखा हुआ है, इसमें भारतीय नागरिक था, इसमें विदेशी नागरिक लिख लो, इसमें कौन सा नागरिक, विदेशी नागरिक, कोई विदेशी नागरिक है जो भारत पे लाभ या विश्वास के पद पे रह रहा है, किसके पद पे रह रहा है, लाभ या विश्वास के पद पर, तो वह अपने देश वाले से या कोई कह सकते हैं अपने विदेशी राज्य से, आप ये बात ही कहेंगे, विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। गुरुजी इसमें क्या दिक्कत है, जो विदेशी नागरिक है, तो यही बात है मेरे भाई कि विदेशी जो नागरिक है वह अपने ही देश, और जैसे कोई अमेरिका का व्यक्ति यहाँ रह रहा है और उसके जो लोग हैं वो उसे उपाधि देना चाहते हैं तो वो नहीं ले सकता अगर भारत में रह रहे, तो चाहे लाभ के पद पर रह रहा हो चाहे विश्वास के पद पर रह रहा हो। एक बात और याद रखना, अगर ये उपाधि लेनी होगी, तो राष्ट्रपति की अनुमति लेगा, किसकी, राष्ट्रपति की। एक लास्ट और पढ़ो 18(4) क्या है भाई, 18 विदेशी राज्य से मिलने वाली उपाधि होगी, कोई भेंट हो गई, उपाधि नहीं कहेंगे भेंट कहेंगे, विदेशी राज्य से मिलने वाली भेंट का जो उल्लेख है
वो किसके अंदर है, 18-4 में। यानी विदेशी जो राज्य है वो भारतीय को कोई भी कुछ भी पुरस्कार वगैरह वो देते हैं, उसके बेट का जो उल्लेख है वो किसके अंदर है, वो है अनुच्छेद 18-4। तो एक सिंपल सी, एक में शिक्षा उपाधि धारण कर सकते हैं शिक्षा और सैनिक के मामले में, दो में भारतीय नागरिक विदेशी राज्यों से नहीं करेगा, 18-3 में तीन, देखो तीसरी बात आ रही है ये विदेशी नागरिक रह के कैसे कर लेगा, तो तीसरी बात तीन में, चार में विदेशी राज्यों से मिलने वाली भेंट के बारे में। ठीक है, अब एक बात और सुनो, राघवानंद बनाम आया था, बिल्कुल गुरुजी हमें पता, राघवानंद जो बनाम आया था उसके बारे में तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। गुरुजी राघवानंद बनाम कब आया था, राघवानंद बनाम आया था 1996 के अंदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो देखो आपको पता है तीन पुरस्कार होते हैं, एक का नाम है पद्म विभूषण, कौन सा, पद्म विभूषण, एक पुरस्कार है पद्म भूषण और एक पुरस्कार है पद्म श्री। इन तीनों पुरस्कार की शुरुआत, इसलिए उदाहरण इसके लिए कि ये याद रखना, तीनों पुरस्कार की शुरुआत होती है 1954 में, कब होती है 1954 के अंदर। वैसे भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार माना जाता है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार, वो है भारत रत्न, भारत रत्न। बताया ये गया है कि कोई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति नाम के आगे या पीछे ये जो पुरस्कार मिले हैं, चाहे ये मिले हैं, वो नहीं लगा सकता। जैसे मान लो किसी को मिल गया, और जैसे आपको मिला, आपने इसे लगा लिया पद्म भूषण सुनील कुमार, पद्म भूषण भारत रत्न, सॉरी भारत रत्न महेंद्र कुमार, ऐसे लगा लिया, तो ऐसे नहीं लगा सकते। अगर गुरुजी हम लगा लें तो लगा लोगे तो लगा लो भाई, क्योंकि इसका कोई कानून नहीं बना हुआ। अगर तुम लगाते हो तो मतलब कोई कानून नहीं, सजा नहीं होगी आपकी, ठीक है। हाँ अच्छा, मैंने एक बताया था, वो संपत्ति का जो अधिकार था ना, वो कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार का मतलब होता है विधिक अधिकार, विधि मतलब क्या होता है, कानूनी होता है। अगर दोनों ऑप्शन में आते तो गुरुजी क्या करें, तब आप संविधान की भाषा ये बोलती है कि विधि, कानून नहीं लिखती, क्या लिखती है, कोई बात होती है तो विधि, विधि के अंदर आती है, तो विधिक अधिकार जो 300A हो गया अनुच्छेद के अंदर। ये समझ में आया उपाधि युगान, बिल्कुल आ गया गुरुजी, तो अनुच्छेद 19 पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल है वो भी। अनुच्छेद 19 में गुरुजी क्या स्वतंत्रता है भाई, अनुच्छेद 19 में कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले अब पढ़ेंगे भाई अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंदर है स्वतंत्रता, स्वतंत्रताएं, और व्यक्ति को जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो कितने प्रकार की हैं, 7। मौलिक अधिकार तो 7 ही हैं, लेकिन अब वर्तमान में 6 हो गए हैं, वैसे ही स्वतंत्रताएं भी है व्यक्ति की, लेकिन पहले तो वो स्वतंत्रताएं कितनी थी, 7, लेकिन अब यानी वर्तमान में कितनी हो गई, 6। एक हटा दी संपत्ति के अधिकार वाली, आज पढ़ लेते हैं 6 की 6। अच्छा अनुच्छेद 19 में तो ये अनुच्छेद पढ़ना 19(1) के अंदर अपने को, ठीक है, अनुच्छेद 19(1) ही है ये, ऐसे मानो आप, क्योंकि 2 के अंदर तो ये लिखे ना स्वतंत्रता पे प्रतिबंध भी है, कैसे प्रतिबंध है, युक्ति प्रतिबंध है, वो बता दूंगा। एक तो पढ़ना है अनुच्छेद 19 के, एक पढ़ना है अनुच्छेद 19 ख, ए बी सी डी भी लिख सकते हो आप इसको, ए बी सी डी ऐसे ना, एक ख ग 19(1) घ 19(1) अड़े खाली बोलोगे थे, हाँ गुरु जी 19(1) च
छः कितनी होगी, छः होगी क्या, सातवीं, 19, 1, 6। यानी आप इसको ऐसे में कह के इस गाय से लिख सकते हो ए बी सी डी ई एफ और जी, 19, 1, G में क्या है, ऐसे पूछ लेगा। तो देखो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, छः, सातवीं अपने रद्द कर देंगे। पहली जो स्वतंत्रता आपको वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाह गुरुजी ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने, इसको समझो आप। वाक यानी आप कहीं भी बोल सकते हो गुरुजी, कहीं भी मतलब क्या, प्रेस के अंदर बोल सकते हो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। प्रेस का मतलब होता है जैसे मीडिया, मीडिया के अंदर किसी के बारे में देखो कौन कौन लोग कितने किसी के बारे में बोलते हैं, क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है, इसका हनन नहीं हो सकता, तो मीडिया में आप बोल सकते हो। और गुरुजी ये तो बात हमें समझ में आ गई, दूसरा तुम्हें इंटरनेट का भी अधिकार दिया गया, इंटरनेट का क्या मिलता है, अधिकार। गुरुजी ये तो सबसे बड़ी आवाज दे दी, रोटी खाने के बगैर रह जाएंगे, ये तो मौलिक से बाहर कर दो, लेकिन इंटरनेट के अधिकार, देखो आजकल के नौजवान साथी कितने इंटरनेट के मामले में खराब हुए पड़े हैं, बिल्कुल गुरुजी हम देखते आ रहे हैं। देखो भाई मैं बताऊं तुम्हें, जो चीज़ तुम्हारे रास्ते में है ना उसको हटाओ। जैसे तुम्हें ऐसे लग रहा है कि गुरुजी इंस्टाग्राम बीच में आ रहा है और रील्स वील्स देखते हैं, टाइम बहुत खपत खत्म होता है, टाइम फ़ोन ख़राब नहीं करता, फ़ोन को तुम क्यों दोषी दे रहे हो। देखो हमारी एक आदत होती है अपने को खुश रखने के लिए अपने दूसरे में कमी निकाल देते, नहीं रहे इसी की कहीं गलत। अब जैसे मास्टर तो अपना पूरा सहयोग करता है, पढ़ाता ही है बच्चे को, अब बच्चा नहीं पढ़ता है तो वो मास्टर की निकाल, मैं तो भी हूँ पढ़े, बिन तो किया भी हूँ नहीं हूँ, तो वो गलत बात है मेरे भाई। कमी निकालो आप अपने अंदर, अपने अंदर कैसे, अब फ़ोन में कमी क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि फ़ोन में तो रील्स के अलावा गूगल भी है, गूगल पे आप अच्छी तरह से चीज़ें देखो सर्च मार के, तुम रील्स ही क्यों देखते हो, वो कमी तुम्हारी है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो चीज़ तुम्हारे रास्ते में आ रही है उसको हटाओ, जो तुम्हें पढ़ाई करने से रोक रही है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप तो चलो इतना नहीं रोकता, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में से एक रख सकते हो तुम टेलीग्राम पे, क्योंकि अपना चैनल है इसलिए तुम्हें रखना पड़ेगा वो, तो क्योंकि सारी सूचनाएं वहीं देता हूं मैं पढ़ाई के मामले में, है ना, नोट्स वगैरह वहीं देता हूं, जीके बायोजे सर के नाम से ही है इसीलिए मैं कह रहा हूं, समझ में आ गई बात। टेलीग्राम तो चलो फेसबुक चला रहे हो, फेसबुक में देखो मेरी बात सुनो, सोच के देखो तुम्हारे मान लो 1000 फॉलोवर्स हो भी गए इंस्टाग्राम पे, कहीं भी क्या मिलेगा तुम्हें, नहीं गुरु जी हम पड़ोसी को कहेंगे देख मेरा 1000 फॉलोवर तेरा क्या है, वो चीज़ें आप जॉब लग के और जिस दिन बोलना एक दिन खड़े होके कि मैंने ऐसा संघर्ष किया था, उस दिन देखना एक दिन में 1000 बढ़ेंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। तो ये चीज़ है, अभी अपना समय कहाँ, देखो आप गौर करो कि तुम्हारा समय जो है वो खराब कहाँ हो रहा है, ये चीज़ है ना। तो प्रेस की स्वतंत्रता, इंटरनेट का अधिकार है तुम्हें, और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी अधिकार है। इसलिए मतलब क्या हुआ गुरु जी, इसका मतलब ये हुआ कि तुम तुम्हारे घर पे भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हो, लेकिन ये बात ये है कि राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए, सम्मान नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। जैसे राष्ट्र ध्वज फहरा दिया तो उसके बाद तुमने जंगले पे बांध दिया हो कहीं, वो तो ऐसे नहीं, सम्मानित तरीके से तुम ये काम कर सकते हो। तो वाक है व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो समझ में आ गई कहाँ पर है गुरु जी, बिल्कुल आ गई। उसके बाद बात करें खै में क्या है, तुम शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, तुम शांतिपूर्ण सम्मेलन कहीं भी करो कोई नहीं रोकेगा। गुरुजी अगर हम हड़ताल कर दें तो क्या कर दें, हड़ताल, तो हड़ताल 19-2 के अंदर आ जाएगी, अनुच्छेद 19-2 में, क्योंकि ये फिर प्रतिबंध है स्वतंत्रता पे 19-2 के अंदर, 19-2 में क्या दिया गया है, प्रतिबंध। प्रतिबंध क्यों है गुरुजी, अब क्या लिखा हुआ है, शांतिपूर्ण और निरायुध हड़ताल कर सकते, सम्मेलन कर सकते हो, तुम हड़ताल करोगे तो ये एक इसमें थोड़ी आएगा मामला, तो इसका मामला समझ रहे हो, अगर तुम्हारे से कोई लोग अपना जीवन चला रहे हैं और तुम वहाँ जाओगे सम्मेलन करने, उनका जीवन दुख दो रहा है, तो तुम्हारा चलो मौलिक अधिकार सुधर गया, अगले का मौलिक अधिकार कष्ट में आ गया ना। जैसे मान लो कोई ये पिछड़ी जातियाँ हैं, इनके यहाँ से तुम बहुत बड़ी जनसंख्या में गुजरे तो इनके बच्चे जो हैं वो मान लो आपकी चपेट में आ गए, तो उनका फिर मौलिक अधिकार वहाँ नहीं होगा, बिल्कुल होगा गुरु जी। इसीलिए तो तुम्हें शांतिपूर्ण निरायुध आप सम्मेलन कर सकते हो, ठीक है गुरु जी। गय के अंदर आप संग या संगठन के दो या सभा के दो, एक ही बात होती है सारी, या समिति के दो,
बनाने का आपको अधिकार है। यानी धरना वरना जो भी है वो आप कर सकते हो, सभा बना के। देखो पुलिस के आगे कई बार देखा थाने के आगे धरना करके बैठे, तो वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो शांतिपूर्ण करते हैं, इसीलिए कुछ नहीं कहते। और ज़्यादा करेंगे तो फिर पुलिस वाले कूटने भी लगते हैं, लाठीचार्ज होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि वो किस मुद्दे पर आ जाते हैं? हड़ताल वाले मुद्दे पर, तब होती है लाठीचार्ज। बिल्कुल गुरु जी, हम समझ गए, ये बात समझ गई, ये समझ गई। अब संचरण करने का अधिकार, संचरण करने का अधिकार, ये क्या है गुरु जी? देख मेरे भाई, संचरण का मतलब होता है तुम कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो। कहीं भी, हम कहीं भी, बिल्कुल कहीं भी, भारत के, दुनिया के किसी भी कोने में आप जा सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा भारत ही नहीं दुनिया के भी संचरण करने का अधिकार है। गुरु जी क्या हम किसी दूसरी जगह में निवास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। तो तुम्हें निवास का भी अधिकार है, निवास करने का अधिकार, निवास भी कहीं भी, क्या बिल्कुल कहीं भी कर सकते हो तुम निवास। तुम अमेरिका रहना चाहो, देखते नहीं है कहीं अमेरिका जाते हैं वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, वहीं रहने लग जाते हैं। हाँ गुरु जी, तो मतलब कहीं भी तुम रह सकते हो। ये था पहले संपत्ति का अधिकार। एक संविधान संशोधन हुआ था 44वां, कब हुआ था? 1978 में। उस संविधान संशोधन में इसे विधिक अधिकार बना दिया। कौन सा अधिकार? विधिक अधिकार। अब ये वर्तमान में विधिक अधिकार है, वो आर्टिकल 301 के तहत हो जाएगा यार, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब ये निरस्त हो गया। कौन सा निरस्त कर दिया? 19(6)(2) या (f)(2), ये निरस्त कर दिया। यानी ज्यादा चेक कर रहा था इसलिए इसको क्या कर दिया? निरस्त। उसके बाद ये है, आप कहीं भी व्यापार या कारोबार कर सकते हो। व्यापारक या कोई भी हम कारोबार करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ये हमारा क्या है? अधिकार है। अगर तुम इनके विरुद्ध चलोगे तो वही स्वतंत्रताएं छीन भी ली जा सकती है। तो ऐसे लिखना, स्वतंत्रताएं, स्वतंत्रताओं पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी है। ये जो प्रतिबंध है मेरे भाई, ये है अनुच्छेद 19(2) के अंदर। जैसे वो बात रही थी, अगर तुम हड़ताल करो तो तुम्हारा ये अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, अगर तुम किसी ऐसा काम करो जिससे किसी जाति या कोई वंश हो या कोई धर्म हो उसका हनन हो रहा है, तो तुमसे ये मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा। समझ में आ गई? तो ऐसे काम नहीं करने हैं। तो गुरुजी हमें तो 19 अनुच्छेद बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसके बाद देखो अनुच्छेद पढ़ते अपने 20। अच्छा, इसमें तो ये लिख सकते हो आजीविका चलाने वगैरह का अधिकार है ना, ठीक है, सिंपल सी बात है। अनुच्छेद 20 देखो ध्यान से, ये तो तुम याद कर लेना मेरे भाई। अगर वीडियो मेरे को लग रहा है कि देख रहे हो उसके साथ साथ समझ में आ रही है अच्छी तरह से, देखो याद तो याद करना पड़ेगा भाई। समझ में आ रहा है तो बताओ, आ रहा है तो लाइक करो। गुरु जी लाइक करने से होता क्या हमें बताओ? आप कह रहे हो कि फॉलोवर से क्या होगा? इसमें लाइक करने से ये होता है कि मैं खुश होता हूँ। गुरु जी हम फॉलोवर्स में खुश होते हैं? अरे ये चीज़ ऐसी, फिर तो तुम अगर ऐसे सोचने लगे ना कि गुरु जी हम ऐसे करते हैं वैसे, तो तुम फिर तुम्हें सारी चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, फिर तुम्हें सारा ऐसे दिखेगा, एक ही एक पक्ष दिखेगा, नहीं ये तो ये होगा। तुम ऐसी नेगेटिविटी मत लाओ दिमाग में, है ना। हाँ गुरु जी, अब बात करेंगे अपने अनुच्छेद 20 की। 20 20 में है दोस्त, 20 20 कामनागर, 4 20 कामनागर, बोलो नहीं, 420 कामनागर, 420 कामनागर। तो इसमें है दोस्त सिद्ध के संबंध में। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब दोष तुम कितने तरीके से करते हो? तीन तरीके से। देखो कैसे, पहले तो याद रखना दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20। अब तुम्हें इसको समझने के लिए तीन पढ़ने हैं, 20(1). अरे ये तो देखो बहुत डीप एग्जाम होता, पूछ लेता। ये मैं तुम्हें इसलिए करा रहा हूं कि तुम समझ अच्छी तरह से जाओ, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है ऐसे दिखाना कि मैं डीप कराता हूँ, वो उद्देश्य नहीं। उद्देश्य मेरा एक है कि तुम समझ अच्छी तरह से जाओ, समझ अच्छी हो जाए। बस इसमें तीन ही पढ़ने हैं, 20(3). बात करें अपने सबसे पहले 20(1) में, तो इसके अंदर है कार्योत्तर विधि, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, विधि से संरक्षण। मैं समझा दूंगा क्या होता है कार्योत्तर विधि का मतलब। ये होता है कि इसमें दोष सिद्ध होने पर ही आपको सजा दी जाएगी अन्यथा नहीं, दोष सिद्ध होने पर ही सजा दी जाएगी अन्यथा
नहीं, मतलब कहने का अर्थ ये है दोष सिद्ध हो गया फिर गुरुजी सजा मिल जाएगी। अच्छा सजा कैसे मिलेगी, तो देखो दोष सिद्ध होने पे भी कैसे मिलेगी, मान लो तुमने कोई कांड किया है, कांड मतलब समझते हो ना, 2008 में, यानी तुमने कोई चोरी कर ली 2008 में और तुम यहाँ से चोरी करके भागे थे अमेरिका या कहीं भी भागे, बिल्कुल भागे गुरुजी। उसके बाद तुम आए 5 साल बाद या 6 साल बाद, जैसे आए 2013 के अंदर यहाँ उसी जगह पर, और उसने आपकी पुलिस से फाइल वापस खिलवा दी और आपको ये सिद्ध हो गया कि मतलब आपने चोरी की थी। लेकिन 2008 में उस टाइम अगर आपको सजा मिलती तो वो मिलती 2 साल की, लेकिन अब ये सजा को बढ़ाकर 5 साल कर दिया है, सजा को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5 साल। तो गुरुजी अब बताओ सजा कौन सी मिलेगी, तो मेरे भाई आपको सजा मिलेगी 2 साल। क्यों? क्योंकि आपने एक कानून कब अपराध कब किया था, 2008 में। तो इसका मतलब ये है कार्योत्तर विधि की से संरक्षण का मतलब है कि दोष सिद्ध होने पे सजा मिलेगी, और जब दोष क्या होगा उस समय जो कोई अपराध बना होगा उसी के तहत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ एक बात और याद रखना, अच्छा दोष सिद्ध होने का मतलब ये है कि जैसे मैंने ये मार्कर तोड़ दिया बीच में से, तुम जाके केस कराओगे, तो अब बताओ ये मार्कर तोड़ दिया इससे मतलब क्या है, मतलब ये भी बात जरूरी है कि अगर मैं ये मार्कर तोड़ूं, ये कानून में ऐसे लिखा हुआ कि मार्कर तोड़ दोगे तो 6 महीने की सजा है, तब तो मेरे को सजा मिलेगी अन्यथा नहीं मिलेगी। तो कानून में ये उल्लेख होना चाहिए कोई काम कर रहा हूँ वो अपराध के अधीन नहीं होगा तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये तो बात गुरु जी हम समझते हैं, फिर तो अच्छी बात है। अरे 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 ये भैया मार्कर वाला तो काम ही उल्टा है, यो इंक छोड़ लगे था देखें। बीस दो में देखो, दो से दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, इसका मतलब गुरुजी क्या है मेरे भाई, इसका मतलब ये दोहरा दंड, यानी तुमने अपराध एक किया है या अपराध दो किए हैं, कितने मर्जी अपराध किए हैं, अनेक अपराध के लिए तुम्हें सजा जो मिलेगी वो एक ही मिलेगी, सजा कितनी मिलेगी, एक ही मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि दो सजाएं नहीं दे सकते आपको, अपराध की सजा जो होती है वो कितनी मिलेगी, एक ही सजा मिलेगी, ठीक है ये बात समझ में आ गई। एक बात और याद रखना, जैसे कोई जॉब लगा हुआ है उसने कोई अपराध कर दिया तो उसे सजा तो मिलेगी लेकिन उसका जो पद होगा वो भी छीन लिया जाएगा। तो गुरुजी ये सजा दो होगी ना, पद भी छीन रहे हैं सजा भी दे रहे हैं। देखो ये पद का छीनने का मामला होता ही होता है प्रशासन का, तो प्रशासनिक की बात अलग होती है, ये कानून वाली बातें अलग होती है। गुरु जी कानून प्रशासन नहीं होता क्या, होता है। ये विभाग लिख दो आप फिर, या तो यहाँ पर लिख दो विभाग, कोई विभाग है वो छीनने का पद तो आपका कि आपने ऐसा काम किया, सजा तो पुलिस देगा कानून देगा, है ना, ठीक है गुरु जी। तो याद रखना दोहरे दंड की सजा जो है वो एक ही होगी, ठीक है। तीन में आत्म अभिशंसन से संरक्षण, आत्म अभिशंसन से, यानी किसी एक अपराध की सजा जो होती है वो कितनी होगी हमारे सामने, एक ही होगी। गुरु जी ये जो आत्म अभिशंसन है, इस आत्म अभिशंसन में हम क्या देखें, यानी कोई भी व्यक्ति है, आत्म मतलब अभिशंसन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति है, कोई भी उसको व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए वाद्य नहीं किया जाएगा, वाद्य नहीं किया जाएगा। ये क्या है गुरु जी, कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए वाद्य नहीं किया जाएगा। गुरु जी डांगू गुट्टा का तो गवाही तो अगर ना करनी होगी चोर तो यहाँ बोलनी पड़ेगी, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर तुम देखो ये लाइफ है और दोस्त तुम्हारे काफ़ी हैं, तो दोस्त में क्या होता है कि माँ कांड वो कर जाता है और नाम तुम्हारा आ जाता है, तो इसमें करना क्या है, देखो क्योंकि शक के आधार पे तो तुम्हें संदेह के आधार पे तो कैद कर ही लेंगे जब तक अपराध सिद्ध नहीं होगा, सिद्ध होने के बाद फिर वो बाद की बात है। मान लो कोई ऐसा कांड कर दिया जिसमें तुम्हें 5 साल की सजा मिल गई, फिर तो तुम्हारा गोल्डन टाइम तो निकल जाएगा। इसलिए करना क्या है गुरु जी, क्या करना है, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा तो आप सोचना इस बात को, समझना ध्यान से कि जैसे कि पुलिस वाले अपने भारत में पुलिस प्रशासन ऐसा है कि उगलवा लेता है जिसने चोरी नहीं की ना, वो भी हाँ बोल देगा, हाँ भाई साहब मैंने किया, क्यों, क्योंकि मार के आगे तो कहें डांगर भी नाचे, तो वाह बात है कि मार के आगे तो जानवर भी नाचते हैं गुरु जी कैसे। तो देखो जैसे पुलिस वाले क्या करते हैं, जैसे बिठा लिया सामने, उनके प्लानिंग होती है पूरी दिमाग में कैसे इसे उगलवानी है बात, पास वाले कमरे में एक जने को कह देंगे, एक बंदे को आप ऐसे बोलोगे जोर जोर से आवाज़ लगाए, उरे मार दियो रे, ये कर दिया रहा है, तोड़ दिया रहा है, ये कर दिया वो, तो पास वाले कमरे से आवाज़ आएगी,
जोर जोर से इसी तरह से कि बहुत भयंकर तरीके से पीट रहे हैं। फिर क्या, फिर पूछेगा, वो जाएगा उसके सामने, अब वो डर गया बेचारा पहले कि कितना गंदा मारते हैं पुलिस वाले को, सुना भी हुआ ही हमने। फिर वो भाग कर आया एक जना दौड़कर, आवाज कम होगी थोड़ी देर बाद, वो पूछने जाता है इनकी कोई प्लानिंग होती है सारी, साहब वो तो मर गया। डराते हैं मतलब पूछते कैसे हैं, साहब वो तो मर गया, लगाओ तो उसकी डेड बॉडी ठिकाने। इतना बोलते हैं, हाँ भाई बोल भाई क्या ये चोरी तूने की है। अब वो बेचारा बताओ, उसे पता है कुटेंगे मारेंगे, नहीं की तो ही ना बताऊंगा तो ये कुटेगा जिस तरीके से आ रहा है। तो वहाँ भर देगा कि हाँ मालिक ये चोरी मैंने की है, लेकिन सुनना एक बात ध्यान से, वहाँ भर दो था यहाँ मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हें जैसे ही पेश करें तो तुम ये तुम्हारा मौलिक अधिकार है, तुम अभिशंसन के खिलाफ बोल सकते हो, तुम कह सकते हो कि हमें कूट कर ये बातें बुलवाई गई थी, कि आप बोलो चाहे लिखा कुछ भी होगा, चाहे आपने लिखा चाहे रिकॉर्डिंग की है, वो सारा जो है वो खिलाफ हो जाएगा फिर बाद में। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने अगर तुम्हारा दोष सिद्ध हो गया तो तुम्हें सजा मिल जाएगी। अगर तुमने सजा कर भी दी कोई लेकिन दोष सिद्ध नहीं हुआ तो सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो कानून भी कहता है ना कि दोष सिद्ध होने के बाद ही सजा मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी, है ना। बिल्कुल गुरुजी, तो ये बात है मेरे भाई। 20-1, 20-2, 20-3 समझ में आ गए? आ गए गुरुजी, बहुत अच्छी तरह से आ गए। अब पढ़ते हैं अपने अनुच्छेद 21, सिंपल से है अनुच्छेद 21 भी। क्या है जिसका डर था वही हुआ, ये देखो दिख गया, अभी ये निशान नहीं जाएगा 7 जन्मों तक, थोड़ा याद रहेगी, मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था। तो देखो भाई अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता। प्राण की जो स्वतंत्रता दी गई है वो कहाँ दी गई है? वो दी गई है अनुच्छेद 21 में। अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है कि गुरुजी इससे हमारी जान जाएगी, ये जिस तरीके से पीट रहा है चाहे कोई भी कानून हो, तो तुम उसको जान मतलब जान बचाने के लिए तुम उस पर वार कर सकते हो। ये बात कहता है अनुच्छेद 21 कि तुम तुम्हारी प्राण और प्राण बचा सकते हो, ये तुम्हारा स्वतंत्रता का एक अधिकार बनता है। बिल्कुल गुरुजी, इसके बाद सुनो फिर ध्यान से। ये एक जापान से प्रक्रिया ली गई थी, विधि के समक्ष प्रक्रिया, एक मिनट देख लेते हैं कौन सा मार कर फिर खराब हो। हाँ, विधि के समक्ष या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब अगर ये है कि तुम्हारी स्वतंत्रता से किसी को नुकसान हो रहा है, या तुमने कोई ऐसा कांड कर दिया जिसके तहत तुम्हें फांसी की सजा दे दी, तुमने कोई ऐसा कांड कर दिया जिसके तहत तुम्हें मृत्यु दे दी, या तुम्हें आजीवन कारावास सुना दिया, तो इसमें गुरुजी हमारा निर्णय हो रहा है, हमें तो जीवन जीने का अधिकार है। तो आप तो देखो फांसी लिख दियो, मृत्यु लिख दिया, आजीवन, तो भाई अगर आप किसी को मारोगे तो फिर विधि द्वारा आपको नुकसान किया जा सकता है। अगर आपने किसी को मृत्युदंड दे दिया या मार दिया, या आत्मदाह कर सॉरी किसी को मार दिया आपने, या अपने को किसी से छुटाते वक्त आपके हाथ लग गया, मतलब जो नुकसान हो गया किसी अगले का, नुकसान होने के बाद तुम्हें कोई भी सजा हो सकती है, फिर तुम्हारी स्वतंत्रता सारी छीन ली जाएगी। किसके द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई? जापान से। विधि के समक्ष समानता होता है, एक विधि होता है विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया, करवाया हुआ मैंने। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है, ये करवाई हुई है मैंने, लिख लेना अगर नहीं कभी नोट लगा कि इसके नीचे विधि विधि की तीन चीज़ें लिख लेना, ठीक है गुरुजी। इसके बाद मैं आपको बात बताऊं अनुच्छेद 21 में हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। तो देखो, तुम्हें एकांतता में रहने का अधिकार है, तुम्हें शुद्ध वातावरण में रहने का अधिकार है। अगर तुम चाहो तो अकेले रह सकते हो, चाहो तो कहीं भी जाकर रह सकते हो, मैं सभी पठार पर हो जाके शुद्ध वातावरण का। देखो तुम्हारे पास कोई फैक्ट्री लगी हुई है तो जिससे तुम्हारा मतलब वातावरण खराब हो रहा है, तुम्हारा नुकसान हो रहा है उसमें, तो तुम वो केस कर सकते हो उस पर कि भैया हमारा इससे अनर्न हो रहा है,
तो फैक्ट्री को वहां से उठा ली जाएगी। गुरु जी इतनी पावर हमें, बिल्कुल भाई बहुत पावर है तुम्हें, तो देखते नहीं हो कोई फैक्ट्री कारखाना जो है वो घरों के किनारे मोहल्ले में नहीं होता, बहुत ज़्यादा दूर होता है। अगर तुम्हें उससे नुकसान हो रहा है तो केस करो, उस पर बंद हो जाएगा वो। एकांतता का अधिकार, शुद्ध वातावरण का अधिकार। तो देखो इसीलिए तो मैं कहता हूँ तुम अधिकारी बनो रहा है, अधिकारी बनने के लिए तुम्हें ये करा रहा हूँ मैं। अधिकारी बनोगे तो वहाँ मान के चला जिस कैडर में तुम बनोगे ना अधिकारी, तो उन कैडर के 10 लोग छोड़ दो, 10 लोग के सिवाय तुम सभी का जीवन नरक में डाल सकते हो, सभी का जीवन बर्बाद कर सकते हो। देखो तुम्हारे पास कितनी ताकत है, लेकिन कब जब अधिकारी बन जाओगे। अभी तो कुछ लोगों, अब तो तुम्हारा और नरक में डाल देंगे लोग। ठीक है गुरुजी, एकांतता का अधिकार, शुद्ध वातावरण में रहने का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा पाने का भी अधिकार है, और निःशुल्क सामग्री पाने का भी अधिकार है, निःशुल्क दवाइयाँ भी पाने का आपको अधिकार है। ठीक है, अगर कोई महिला है, महिला चाहे तब अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, बच्चे को जन्म देने का मतलब क्या है, चाहे तब गर्भवती हो सकती है, अगर उसका मन नहीं है गर्भवती होने का तो वो गर्भवती नहीं होगी। गुरुजी ये बात नहीं समझे, जैसे देखो यानी कोई उसको घरवाले दबाव करेंगे, तूने जो अगर उसका इच्छा नहीं है कि वो कहती है कि मैं 5 साल बाद पुत्र पुत्री जो भी है वो पैदा करूंगी, लेकिन घरवाले दबाव दे रहेंगे तेरे को अभी करना है, तो वो उसका अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। तो उसका मन करें वो चाहे तब गर्भवती हो सकती है, उससे पहले उसे विवश नहीं किया जाएगा कि तू हो। ठीक है, बिल्कुल। और अगर आपको एक बात बताऊं मैं, तो हम किसी का फ़ोन टेपिंग नहीं कर सकते, फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार है। टेपिंग मतलब टाइपिंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि तुम किसी का भी उससे बिना जाने फ़ोन टेपिंग नहीं कर सकते, लेकिन विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है। जैसे कोई कत्ल करके भाग गया तो फिर तो करना पड़ जाएगा, कहाँ है उसको पता लगाने के लिए। बाकी फ़ोन टेपिंग किसी का भी नहीं कर सकते अपने, वैसे सीधा ठेके तो गाल लें मैं उसका फ़ोन टेप करूँ, देखो बाकी की सगा बात, तो ऐसे आप नहीं कर सकते। ठीक है, बस लास्ट एक दो और देख लो तुम। सड़क पर व्यापार करने का अधिकार है। अब सड़क के बीच में लगाओगा तो फिर उसमें नागरिकों, दूसरे नागरिकों को भी हनन होगा, ऐसे नहीं है। कहीं भी सड़क पर लगाओ आप जिसमें दूसरे नागरिक को तकलीफ ना हो, दूसरे को होगी तो फिर उसका भी हनन होगा। तो तुम समझ में आ रही है ना बात, ये सभी व्यक्ति के लिए लागू होती है। हाँ गुरु जी अब समझ गए हम बात। अब आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। ठीक, सबसे पहली जो बात आपको याद रखनी है वो रखनी है 1978 की, वो रखनी है 1978 की। उसके बाद 1994 के बाद आपको 1996, बस 3 सन याद रखने हैं। इसके अंदर आया था मेनका गांधी, बाद आया था इसमें आया था पी रतिनाम बाद, इसमें आया था ज्ञान और पंजाब बनाम भारत संघ, ऐसे लिखा हुआ था, तुम बाद लिख लेना। इसमें क्या क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया क्या 1978 में मेनका गांधी वाले में, कि ये जो मौलिक अधिकार है ये सबसे, एक बात ये रखना, सर्वश्रेष्ठ जो अनुच्छेद है, सर्वश्रेष्ठ अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 21 सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, इसमें ये कहा गया था कि मेनका गांधी के अंदर कि ये जो स्वतंत्रता दी गई है प्राणों की, इसका विस्तृत जो व्याख्या मिलती है वो इसी के अंदर मिलती है, मेनका गांधी के अंदर। एक तो ये बात, क्या मिलती है विस्तृत व्याख्या, एक ये बात। दूसरी, दोष सिद्ध होने पर ही सजा दी जाएगी, ऐसे अन्यथा हम किसी को, देखो तुम एक बार देखो नहीं कभी कोई किसी का बलात्कार के अंदर मामले जाते हैं, कोई चोरी का जाता है, कत्ल का जाता है, उसे अथवा सजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे दोष सिद्ध जब तक नहीं होगा तब तक सजा नहीं होगी। और दोष सिद्ध का भी एक कार्यवाही होता है कि अगर हम किसी को शक के आधार पर कैद करते हैं तो 3 माह से ज़्यादा नहीं रख सकते, अगर रखेंगे तो हाईकोर्ट एक समिति बनाएगा उसके लिए, रखने के लिए। ठीक है, पी रति नाम में क्या हुआ था, देखो पी रखी है तो पी से आप ऐसे रखना कि इसमें जीने के अधिकार में, किसमें जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल कर दिया, मरने का अधिकार क्या कर दिया शामिल, यानी व्यक्ति तब चाहे तब तक जिएगा, उसके बाद मर भी सकता है चाहे तो, आत्महत्या भी कर सकता है, आत्मता जिसे कहते हैं। लेकिन ज्ञान और पंजाब बाद में ये आया कि व्यक्ति को जीने का भी अधिकार है, जीने का अधिकार है लेकिन मरने का अधिकार नहीं है,
मरने का अधिकार नहीं है, ये ज्ञान और पंजाब के अंदर कहा गया। और याद रखना, इसी के अंदर धूम्रपान को निषेध किया था। धूम्रपान निषेध है, भिणी जगह लिखड़ो मिला गुरु जी हो तो बिल्कुल लिखा हुआ मिलता है मेरे भाई। तो जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन अब कानून ने क्या कर दिया कि जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है, लेकिन मरने का अधिकार विशेष परिस्थितियों में है। कैसे? जैसे देखो, कोई बेचारी महिला या कोई पुरुष है और वो इतनी गंदी बीमारी से परेशान है, वो मरना चाहता है, यानी लगभग 10 सालों से वो परेशान है कोई बीमारी से, वो कहीं इससे अच्छा तो मौत आ जाए तो ही ठीक है, मतलब तो वो जहर का इंजेक्शन वगैरह लगवा के मर सकता है, उसको ये अधिकार है क्योंकि तड़प रहा है वो, तड़प से नहीं से अच्छा तो कहीं मर जाए तो ही ठीक है वो, तो वो बात है। ऐसी परिस्थितियों में वो, अभी एक 3 साल पहले वो मुद्दा बना हुआ था उस महिला वाला, 30 साल से परेशान थी वो, तो वो मर गई थी, तो वो इसी के अंदर आता है अनुच्छेद 21 में। समझ में आ गई बात? बिल्कुल गुरु जी। तो अनुच्छेद 21 में हमें स्वतंत्रताएं दी गई है। अब आ जाओ भाई अनुच्छेद 22 और 23, ये भी सिंपल, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा देंगे। चलो मैं एक पॉइंट अलग से लेता हूं। अच्छा तुम्हें बताओ, 21 तक कोई दिक्कत है? नहीं है। इसको एक बार क्रम से लिखकर भी याद कर लेना, ठीक है? अच्छा एक और है अनुच्छेद 21 का है, इसमें क्या है गुरुजी? इसमें है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। यह जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 के अंदर। कहने का मतलब यह है कि 6 से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा प्राप्त करने का क्या है? अधिकार। और बताया जाता है कि यह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था। पूरे देश में कब लागू हो गया था? पूरे देश में लागू हो गया था 2010 में। सिंपल। अब बात करें अनुच्छेद 22 की और 23 की, सिंपल सा ये भी। तो लिखो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकारों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 22 और 23 के अंदर है। अनुच्छेद 22 और 23 में, सॉरी 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध, 21 के बाद 22 और पढ़ लो गिरफ्तारी वाला। एक सेकंड, 21 के बाद एक 22 और पढ़ना, इसके अंदर 22 और 23 नहीं है। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद में क्या है? 22 अनुच्छेद में है मेरे भाई गिरफ्तारी, है सिंपल सही करवा देता हूं, गिरफ्तारी और निरोध निवारक, या निरोध नजरबंदी भी कह सकते हो, शेष रक्षण। गुरु जी समझे नहीं? अभी समझ जाओगे मेरे भाई, अभी समझ जाओगे। देखो इसमें हमारे पास दो शब्द आए हैं, एक तो गिरफ्तारी आया है, एक नजरबंदी आया है। गिरफ्तारी का मतलब होता है अपराध के, अपराध के बाद कैद करना, इसे बोलते हैं गिरफ्तारी। नजरबंदी उसे बोलते हैं कि अपराध से पहले संदेह के आधार पर, शक बोलते हैं जिन्हें, संदेह के आधार पर कैद करना। संदेह के आधार पर भी कैद किया जाता है, और शक, आप विश्वास नहीं करोगे, भारत में 68% कैदी ऐसे हैं जो संदेह के आधार पर कैद किए गए हैं। आप देखो एक बात सोचो जरा, कि मान लो कोई बेचारा 20 साल की उम्र में कैद हो गया, ठीक है, अब तुम्हारे आसपास मिल जाएंगे ऐसे कई उदाहरण, और मान लो 5 साल बाद या 6 साल बाद या 8 साल बाद पता लगता है कि ये तो निर्दोष था, वो तो अब मतलब कानून सिद्ध कब हुआ, दोष सिद्ध हुआ 8 साल बाद। क्या गुरु जी अभी तो आपने कहा था कि 3 महीने से ज़्यादा अपने नहीं रख सकते दोष सिद्ध को, तो वो समितियाँ बनती हैं, समितियाँ अगर चाहेगी तो वो आगे बता दूंगा मैं तुम्हें, रख सकते हैं, ठीक है। तो संदेह के आधार पे कैद कर लिया बेचारे को, ये भी लिखा बता दूंगा, ठीक है, कैसे करते हैं। 8 साल मान लो उस बच्चे के निकल गए, तो पीछे कितने बच गए, 28 साल का हो गया, 12 आया वो, अब क्या करेगा वो,
उसका जो गोल्डन टाइम था वो तो छीन लिया गया। तो एक भारत है विकासशील देशों में होने का कारण ये भी है, अपने कुछ भी कई कारण कह सकते हैं इसके। अच्छा 22 को समझने के लिए आप चार चीजें पढ़ो, 22:1, 22:2 सिंपल सा है, 22:3, 22:4 देखो 22:1 में तो ये लिखा है कि व्यक्ति को अगर पकड़ेंगे तो उस व्यक्ति को पकड़ेगा तो क्या कोई अपराध किया तभी पकड़े, तो अपराध के कारण जानने का अधिकार है कि आप बताओ मैंने क्या अपराध किया है। तो अपराध के कारण जानने का अधिकार किसमें है, 22:1 के अंदर। एक तो बात यह याद रखना, अब वो व्यक्ति चाहे तो मन पसंद का वकील कर सकता है, मन चाहे वकील कर सकता है, है ना। तो मन चाहे वकील कर सकता है, चाहे उस वकील को कर सकता है। दो में 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, निकटतम मजिस्ट्रेट के अंतर्गत उसे क्या करना होगा, पेश करना होगा। 24 घंटे से ज्यादा किसी अपराधी को थाने में नहीं रखा जाता, चाहिए उसे संदेह के आधार पर कैसे ही कैद किया हो, 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने रखोगे, वो ही बताएगा इसको रिहा करना है या जमानत पे छोड़ना है या सजा देनी है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे कोई कोटा से कैदी को पकड़ के सूरतगढ़ लेके आ रहे हैं अपने, तो सूरतगढ़ के अंदर ला रहे हैं तो वो आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम नहीं गिना जाएगा, 24 घंटा बस थाने के अंदर नहीं रख सकते, मामला ये है। तीसरा अपवाद है गुरुजी, इसमें अपवाद क्या है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि अपराध के कारण जानने का अधिकार है, मनपसंद वकील कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट, इन दोनों का अपवाद है, यानी 22:1 और 2 कैसे गुरुजी, अपवाद कैसे, कोई विदेशी नागरिक है तो उसको ये अधिकार नहीं दे देंगे, तो इसका अपवाद हो गया ना दोनों का 3, तो 22:3 में विदेशी नागरिक को ना ही कारण जानने का और ना ही मनपसंद वकील करेगा और मजिस्ट्रेट के जरूरी नहीं है पेश करेंगे, तो विदेशी अधिकार जो है वो 14 ये, बाकी ये नहीं कि विदेश को 22:3 में अपवाद है क्योंकि विदेशी नागरिक को ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे। बात करें 22:4 की, ये तो हो गए अपवाद, ठीक है। अब इसके बाद अपने आगे बात करें 22:4 के अंदर, तो ये ले और वही मार कराओ घूम घूम के छोड़ दूंगा एक मिनट। इसमें वो है निवारक निरोध, यानी नजरबंदी के आधार पर हम संदेह के, नजरबंदी का मतलब क्या होता है, किसी को संदेह के आधार पर कैद करना, संदेह के आधार पे क्या करना, कैद। अच्छा किसी को संदेह के आधार पे कैद कर लिया, कितने महीने से ज्यादा नहीं रख सकते, 3 माह से अधिक नहीं रख सकते। अगर 3 माह से अधिक रखना है तो ये मामला जाएगा हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं फिर वो समय को बढ़ा सकते हैं, 3 महीने से ज्यादा समय जो है वो बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ गई, बस अनुच्छेद 22 भी हो गया, 23 और 24 एक मिनट में कराता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी शोषण के विरुद्ध अधिकार वो 23 और 24 में है, वो तो बिल्कुल सिंपल है, 23 24 दोनों साथ में कराता हूँ। अब बताओ तुम्हारा शोषण का मतलब क्या, शोषण कैसे होगा, शोषण गुरुजी ऐसे होता है कि अगर हमसे बंधुआ मजदूरी करवाए तो शोषण होगा, बिल्कुल होगा भाई, तुम्हारा बंधुआ मजदूरी, बांध के काम थोड़े ना करवा सकता है कोई, हाँ ऋणदाता भी कोई हमसे काम नहीं करवा सकता, बिल्कुल गुरुजी। तो लिखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है, 23 और 24 में, मैं दोनों ही करा रहा हूं, पहले तो मैं लिखा रहा हूं तुम्हें अनुच्छेद 23, यही लिख लो अनुच्छेद 24। इसमें 23 में लिखा मानव दुर्व्यापार नहीं कर सकता, बलात्श्रम नहीं कर सकता, बलात्श्रम का मतलब ये होता है कि बिना पैसे की मजदूरी,
बिना पैसे के किसी से हम मजदूरी नहीं करवा सकते। 23वीं लिखा, चलो इसको समझते हैं, मानव दुर्व्यवहार, इसका मतलब ये तस्करी नहीं कर सकते। तस्करी का मतलब होता है कि मानव का व्यापार नहीं कर सकते, मानव का व्यापार। गुरु जी कौन करता है भाई, ये मुद्दे देखते नहीं, तकने उठाने के लिए आते हैं बच्चे वगैरह, हाँ, तो ये मानव का व्यापार करने के लिए, यानी तस्करी नहीं कर सकते, इससे हमारा अनुच्छेद 23 का हनन होता है, बिल्कुल होता है गुरु जी। इसके अंदर आप याद रखना, एक तो बंधुआ मजदूरी समझने के लिए कि अनुच्छेद दुर्व्यवहार मानव का कैसे होगा, बलाश्रम के अंदर क्या आएगा, बलात्कार वो अलग होता है, श्रम लग गया तो इसके अंदर मजदूरी होता है, श्रम मतलब है ना। बंधुआ मजदूरी की अगर बात करें तो कोई ऋणदाता है, ऋणदाता जैसे आपने किसी से पैसे लिए हैं और उसका ऋण ब्याज बढ़ गया है, तो कोई वो ब्याज दाता है ना, वो ब्याज के बदले में काम नहीं करवा सकता, श्रम नहीं करवा सकता हमसे। तो बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है कि ऋणदाता ऋण के बदले में काम नहीं करवाता। कोई कहते नहीं तुम तना काम करवाऊंगा और जिए ही पैसा उतरेगा तने एक रुपये को दूँ और तन छोड़ दूंगा, तो ऐसे नहीं करवा सकता हम, टाइम मांग लेंगे और उसे पैसे देने का वो मामला हो जाएगा, अन्यथा नहीं। इसके अलावा तुम याद रखो दास प्रथा होगी, जैसे पहले हुआ करती थी ना दास प्रथा, तो आजकल नहीं है। बंधुआ बेगैर होगी, बेगैर मजदूरी होगी, तो ये चीज़ें जो होती है और बेगार होगी, तो बेगार वगैरह की जो ये काम है ये नहीं करवा सकता, तस्करी नहीं कर सकता। बंधुआ मजदूरी, दास पहले राजा महाराजा रखते थे, तो बेगार इसी यही बात है घूम फिर के, बिना पैसे मजदूरी नहीं करवा सकता कोई भी है। अब इसके बाद बात करें अपने अनुच्छेद 24, बलात्श्रम, तुम ऐसे मानो इसका बिना पैसे की तो वो ठीक है, बेगार, बेगार है ना, बेगार बिना गार के कोई मजदूर नहीं करा सकता। इसमें ऐसे लिखो बल के प्रयोग, कई होनी जगह बल के प्रयोग से मजदूर, बल के प्रयोग से काम करवाते हैं, तो बल के प्रयोग से काम नहीं करवा सकते, इसे मानते हैं अपने, बलात्श्रम मान लो इसे, ठीक है बिल्कुल। इसके बाद अपने पढ़ेंगे बलात्श्रम के विरुद्ध अधिकार, ये अलग से आ जाएगा इसमें, इसमें तो मैंने मानव दुर्व्यवहार बलात्श्रम आ जाएगा, सिद्ध बलात्श्रम से विरुद्ध पूछे तो तुम करोगे अनुच्छेद नंबर 24, ठीक है। इसमें यह लिखा हुआ है कि 0 से 14 वर्ष की आयु को बच्चे को, अच्छा बाल लिख लो यहां अच्छा रहेगा, बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध है, बाल श्रम मतलब, बाल श्रम मतलब बच्चे से 14 वर्ष, 0 से 14, 0 तो गुरुजी होता ही नहीं है कोई, मान लो आप कि एक दिन का बच्चे से 14 दिन, 14 वर्ष तक के बच्चे को हम कारखाने, कोई खान होगी या कोई जोखिम भरा स्थान है, वहां पर उसको मजदूरी नहीं करवा सकते या श्रम नहीं करवा सकते, समझ में आ गई। ये लिखा है अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 24 में क्या लिखा है कि हम किसी बच्चे को, यानी बाल श्रम से क्या करता है वो निषेध, 0 से 14 वर्ष के बच्चे को किसी जोखिम भरे का, किसी जोखिम भरी जगह पर अपने काम नहीं करवा सकते, तो ये हमारा अनुच्छेद 14 बोलता है बात, ठीक है बिल्कुल सिंपल था। इसमें हमारा शोषण हो जाएगा वैसे करवाने लगे तो काम, बाकी ये बात है शिक्षा पाओ, शिक्षा पाने का अधिकार है 14 वर्ष के बच्चे तक के, तो ठीक है वो आगे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में ही है, 23 में मानव दुर्व्यवहार बलात्श्रम है, बलात्श्रम मतलब बल के प्रयोग से काम नहीं करवा सकते, तस्करी मानव का व्यापार नहीं कर सकते, बंधुआ मजदूरी ऋणदाता, ऋणदाता काम नहीं करवा सकता, दास प्रथा बेगार बिना पैसे की मजदूरी, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध है, बाल श्रम मतलब बच्चों से काम नहीं करवा सकते, और बच्चों से तो खास करके कारखाने खाने होती है जहाँ से खनिज वगैरह प्राप्त होती है, तो वहाँ तो वैसे नहीं करवा सकते, जैसे कोयले खान में कहने कोयले खान में काम करके आएगी, तो वहाँ पर खानों में बहुत अलग प्रकार की गैसें उड़ती हैं जिससे हनन हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब मान के चलो कि एक क्लास और होगी उसमें तुम्हारा मौलिक अधिकार मैं पूरा करवा दूँगा। देखो मैं मानता हूँ कि तुम्हारी क्लास ने थोड़ी ज़्यादा ले ली, लेकिन मेरा एक कर्तव्य बनता कि मैं तुम्हें मौलिक अधिकारों के बारे में, देखो नौकरी तो तुम लग जाते अगर मैं सीधा सीधा पढ़ाता ना तुम्हें, मतलब मेन में नहीं आता इसमें से प्रश्न, 23 का आ गया थोड़ा बहुत इससे आता है तो कभी थोड़े लेवल के एग्जाम तो ले, इसके साथ साथ देखो तुम नौकरी तो लग जाओगे एक बेहतर इंसान बनने के लिए, गुरु जी नौकरी लगने के बाद बेहतर नहीं बना जाएगा मेरे भाई, उसके बाद तुम पढ़ोगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे
दबाव ही ऐसा रहेगा, फिर तुमसे कोई ऐसे सामने मुद्दा आया ना, फिर तुम बता नहीं पाओगे। कहीं कई होते हैं जो नौकरी लगते हैं किस्मत के आधार पे, तो उनके आगे दिक्कत बहुत होती है। अब तुमने ये मौलिक अधिकार एक बार पढ़ लिया ना, यहाँ से मेरा मानना ये है, जो मान लो अभी भी देख रहा था उसमें देखना पीछे की 3 वीडियो और कंटेंट देखना, फिर बताना कि गुरुजी वास्तव में हमने एक किताब में इतना, क्योंकि बच्चों को मिस करते बहुत खुशी होती है, गुरुजी 4 किताबें रखे देख लिया आगे, फिर भी ऐसे लग रहा है कि अभी भी कमी है किताबों में। तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जो आप जैसे मेरे साथी जुड़े हैं, बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हो आप। तो मिलते हैं मेरे भाई अगले भाग में क्लास देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।